नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल बातें। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं और इन बातों का आप ये ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, इन बातों का 100% 101% पूरा फैक्ट लाइफ पर पड़ता है, जीवन पर पड़ता है। और यदि आपको इसमें कोई संशय है, कोई सस्पेंस दिख रहा है, तो आप खुद ही जायजा ले सकते हैं अपनी जिंदगी से। तो दोस्तों, वो ये है कि आज मैं बताने जा रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति का जो बार है थर्सडे, बृहस्पति बार को कुछ ऐसे कार्य हैं जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति या स्त्री, ऐसा नहीं है, सभी को। और ये पौराणिक बातें हैं, शास्त्रोचित बातें हैं, जिनका कि पूरा फैक्ट जीवन पर देखने को आपको मिलेगा। तो ये है कि देव ग्रहों के बृहस्पति वार को कुछ ऐसे कार्य हैं जो कभी किसी को नहीं करने चाहिए, और यदि इन कार्यों से यदि आप बचते हैं तो सब प्रकार से आपका शुभ और भला होगा। लेकिन यदि इन कार्यों को करते हैं तो आपको निश्चित ही धन से संबंधित बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वो क्या कार्य हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, कभी भी घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। जी हां, कपड़े नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं, कपड़े नहीं धोने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, अपना हेड, बालों को नहीं धोना चाहिए। स्त्रियां हो, खासकर स्त्रियां और पुरुष भी, जो है बृहस्पतिवार को कभी भी साबुन से, शैंपू से सिर कभी न धोएं। दो, तीसरी बात, यहां पर नाखून कभी बृहस्पतिवार को नहीं काटने चाहिए। उसके अलावा सिर में कभी तेल नहीं लगाना चाहिए, और खासकर सरसों का कड़वा तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। इसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ता है? और इसका प्रभाव यह है कि जो बृहस्पतिवार को सिर धोते हैं उन्हें सेहत का नुकसान झेलना पड़ता है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति गलती करते हैं, कई लोग तो इस वीडियो को देख करके और इसमें कुतर की कैंची चलाएंगे, कहेंगे कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मेरे मित्रों, जब कुछ परेशानी होती है तो हमें पता नहीं लगता, सिर्फ परेशानी होती है, लेकिन यह नहीं पता लगता कि यह परेशानी किस वजह से हुई है। ठीक उसी तरीके से इसी तरह की वजह होती हैं जो कि हमें परेशान कर देती हैं या जीवन में परेशानियां लेकर के आती हैं। तो बृहस्पतिवार को सिर धोने से, बालों में तेल लगाने से आपको जो है सेहत से संबंधित नुकसान झेलना पड़ेगा, सेहत खराब होने लगेगी। वहीं विशेषकर तेल अगर सिर में लगाते हैं और खासकर कड़वा तेल, अगर देवगुरु बृहस्पति के बार को आप अगर तेल लगाते हैं सिर में, तो आपको अनवांटेड घटनाएं, और अनवांटेड वही हो सकती है जो हम कभी चाहते नहीं, इस तरह की घटनाओं से, दुर्घटनाओं से सामना करना पड़ता है। वहीं बृहस्पतिवार को साबुन से कपड़े धोने पर, क्योंकि ज्यादातर कपड़े जो हैं स्त्रियां धोती हैं लेकिन पुरुष भी धोते हैं, तो दोनों के लिए घर के कपड़े नहीं धोने चाहिए। उस दिन जो है कपड़े धोने से धन की हानि होती है, और धन इस तरीके से रिश्ता है, रिश्ते तो आप जानते ही क्या होता है, जैसे रेत होती है ना, बालू रिस जाती है, पता नहीं लगता कब फिसल जाती है, उसी तरीके से जो हमारे जीवन में धन हम उत्पन्न करते हैं, चाहे वो हम कंपनी से कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो पैसा आता है वो ऐसे लग जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि गया कहां, कुछ बीमारियों में निकल जाएगा, कुछ खो जाएगा,
कुछ सस्ती चीजों को महंगे दाम में खरीदने पर साफ हो जाएगा। कुल मिला के धन जो है रिस जाता है, और धन के रिसने का मतलब आप जानते हो, कई लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में बरकत नहीं है, तो बरकत का कारण यही है। बरकत उसे ही कहते हैं कि कोई अगर 10,000 रुपए कमाता है महीने में, तो 10,000 में 10 बंदों को पाल रहा है और सब अच्छे हैं, कामयाबी पा रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उस 1,00,000 में 2 बंदों का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है और उसके बावजूद भी बर्बाद होते जा रहे हैं। इसका कारण यही है। इसीलिए ध्यान रखें, बृहस्पतिवार को कभी भी साबुन से सिर न धोएं, तेल न लगाएं, खासकर स्त्रियां जो है सिर न धोएं बृहस्पतिवार को, कपड़े न धोएं, नाखून न काटें, शेव इत्यादि, बालों को रिमूव नहीं करना है। अगर आप ये बातें मानकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन का जो आगमन है वो सही जगह लगेगा, कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, कभी धन जो है रिसेगा नहीं। और जो भी धन आप कमा के लेके आओगे, वही धन जो है आपके घर की पूरी तरीके से पूर्ति करेगा, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी तरीके से चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इफेक्टिव है। आप कभी भी इसको अपने जीवन में आजमा के देखना। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, तो ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए या फिर कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।